हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जो है आलेखों से परिचय। तो इस चैप्टर में हम आलेख बनाना सीखेंगे और आलेख से संबंधित अगर विभिन्न प्रश्न पूछे हुए तो उनके उत्तर कैसे देने हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, अगर देखो किसी भी वस्तु से संबंधित हमें विभिन्न आंकड़ा दिया हुआ है तो उसको देखते हुए हम आलेख बना भी सकते हैं, और अगर किसी का हमारे पास आलेख दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे हुए हैं तो उनका भी उत्तर हम दे सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आलेख दिया हुआ है जो एक रोगी है किसी अस्पताल में उसके तापमान को दर्शा रहा है। ठीक है, इधर की तरफ तापमान दर्शाया हुआ है और इधर की तरफ समय दर्शाया हुआ है। तो इस आलेख को देखते हुए हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो पहला है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, कि जब दोपहर 1 बजे का समय था तब उसका तापमान क्या था। हमें आलेख को देखना है और उत्तर देना है। तो देखो इधर समय दर्शाया हुआ है, तो दोपहर का 1 बजे का समय इस बिंदु पर है, तो ये बिंदु में तापमान देखना है। देखो ये बिंदु का तापमान इस बिंदु से दर्शा रहा है, और इस बिंदु को अगर हम देखें तो ये 36 और 37 के बीच में आ रहा है। ठीक है, बीच में आ रहा है यानी 36.5, ना ही तो पूरा 36 है ना ही पूरा 37 है, 36 और 37 के बीच में है, यानी कि कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान कितना आ जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है हमारे पास, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, ये वाला तापमान कौन से समय पे था वो हमें देखना है। तो देखो 38.5 यानी यहाँ पर, तो इस बिंदु का अगर हम देखें तो इस बिंदु से मिलान हो रहा है, और ये बिंदु कितने बजे से मिल रहा है, दोपहर के 12 बजे। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कब था, दोपहर के 12 बजे। हम लिखेंगे इसका उत्तर दोपहर 12 बजे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इस पूरे अस्पताल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, दो समय समय क्या थी। कह रहा है कि ये जो पूरा अंतराल था इसमें जो रोगी है उसका तापमान, दो ऐसा टाइम है जब उसका जो तापमान है वो सेम है, दो कौन कौन से ऐसे टाइम है वो हमें बताने हैं। तो देखो यहाँ पे ये सीधी लाइन बन रही है, यानी यहाँ पे जो तापमान है कितना है 36.5, और इस बिंदु का भी अगर मिलाए तो 36.5 डिग्री तापमान है। तो इन दोनों बिंदुओं में तापमान एक जैसा है, तो इन दोनों बिंदुओं का हमें समय बताना है। तो ये है 1 बजे और ये है 2 बजे। तो दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 2 बजे रोगी का जो तापमान है वो एक जैसा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोपहर 1 बजे और 2 बजे, ये दो समय ऐसे थे जब रोगी का जो तापमान है वो एक समान था। ठीक है, अगला है, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। अब हमें बताया कि 1:30 बजे जो रोगी है उसका तापमान कितना था, और वो तापमान हमें पता कैसे चला वो भी बताना है। तो देखो अभी हमने देखा कि दोपहर 1 और दोपहर 2 बजे तापमान एक जितना था कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 से 2 बजे के बीच में जो तापमान है वो 36.5 डिग्री है, तो 1 से 2 बजे के बीच में ही 1:30 बजता है। ठीक है, तो 1:30 बजे का तापमान क्या होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने निष्कर्ष इस तरह से निकाला कि 1 और 2 बजे जो तापमान था वो 36.5 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए 1:30 बजे का भी जो तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे इसका उत्तर कि 1:30 बजे जो रोगी का तापमान था वो 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, मतलब कौन सा ऐसा टाइम था जब रोगी का जो तापमान था वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो देखो 9 बजे तापमान था ये 35.5 डिग्री, फिर 10 बजे हो गया 36 डिग्री, फिर 11 बजे हो गया 39 डिग्री, बढ़ रहा है ना, और फिर 12 बजे हमारे पास हो गया 38.5 डिग्री यानी घट गया, उसके बाद फिर हो गया 36.5 डिग्री फिर घट गया, उसके बाद 36.5 डिग्री था, उसके बाद फिर हो गया था 37 डिग्री। तो पहला हमें वो अंतराल बताना है जिसमें रोगी का तापमान घट रहा है। तो देखो 9 बजे से और
11 बजे तक जो तापमान है वो बढ़ रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है। तो हम लिखेंगे इसे सुबह या फिर प्रातः 9 से प्रातः 11 बजे, प्रातः 9 से प्रातः 11 बजे तक का जो अंतराल था उसमें रोगी का तापमान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आलेख को देखते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।